ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आता थोड्याच वेळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासियांना संबोधित करणार आहेत. सध्याची देशभरातली कोविड स्थिती पाहता पंतप्रधान नेमकं काय बोलणार, काही महत्वाची घोषणा करणार का, याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय. देशातल्या बहुतांश राज्यांमध्ये कोरोनाची स्थिती अतिशय बिकट बनलेली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णसंख्येत सतत वाढ होतीये. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है. कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई. जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है. जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं. चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है. साथियों, अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सभी सफाई कर्मचारी भाई बहन, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी, सभी की सराहना करूंगा. आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों को बचाया था. आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सुख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं. साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेपि काले, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए. किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं. इसी मंत्र को सामने रखकर आज देश दिन रात काम कर रहा है. बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे. इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है. इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है. केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले. ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं. राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो,
औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। कल भी मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के बड़े जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है, जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाइयां बनाता है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। कुछ शहरों में ज्यादा डिमांड को देखते हुए विशेष और विशाल कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आए थे, उसी समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन के लिए काम शुरू कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैक्सीन की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीम एफर्ट है, जिसके कारण हमारा भारत दो मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक, जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष की ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी, उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है,
वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है, और जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो, प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे, उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। साथियों, पिछली बार जो परिस्थितियां थी वो अभी से काफी भिन्न थी। तब हमारे पास इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप याद करिए, देश की क्या स्थिति थी। कोरोना टेस्टिंग के लिए पर्याप्त लैब नहीं, पीपीई का कोई प्रोडक्शन नहीं, हमारे पास इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं। लेकिन बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया। आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। वो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा रहे हैं। बड़ी मात्रा में पीपीई किट्स हैं, लैब्स का बड़ा नेटवर्क है, और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें।
हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी, छोटे छोटे बालक, पांचवीं सातवीं आठवीं दसवीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था, उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। साथियों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन शत प्रतिशत करिए। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। ये मंत्र जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। रमजान के पवित्र महीने का भी आज सातवां दिन है। रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले, कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत